नमस्कार, मैं मुकेश सिंह, शोधार्थी समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, शासकीय जय योगानंदम, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण विषय पर चर्चा करेंगे। एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण, हिंदी शब्द पर्यावरण परी तथा आवरण शब्दों का युग्म है। परी का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर परिलक्षित है, यथा वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, इंग्लिश के अनुसार, एनवायरनमेंट का अर्थ है आसपास की वस्तु, स्थिति, परिस्थितियां अथवा प्रभाव। चैम्बर 20th सेंचुरी डिक्शनरी में एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण का अर्थ विकास या वृद्धि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्री आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। सामान्य अर्थ में हम पर्यावरण को देखें, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है, एवं हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय संबंध भी होता है, अर्थात अटूट संबंध भी होता है। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं, और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी इसके अंतर्गत आती है। अजैविक संघटकों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती है, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को हम समझें तो पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए एवं हमें पर्यावरण की मौलिकता को बनाए रखने की आवश्यकता है। मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु, सभी पर्यावरण की उपज हैं। उनकी उत्पत्ति, विकास, वर्तमान स्वरूप एवं भावी अस्तित्व सभी पर्यावरण की परिस्थिति पर ही निर्भर करती है। पर्यावरण मूल रूप से फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय समस्त पारिस्थितिकी अथवा समस्त बाह्य दशाएं होती है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ परिधन आवरण अर्थात जिससे संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित रूप में पर्यावरण की रचना करते हैं। सामान्यतया किसी स्थान विशेष में मानव के चारों तरफ स्थल, जल, वायु, मृदा आदि का आवरण जिससे वह घिरा है पर्यावरण कहलाता है। अब हम पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को समझेंगे। पर्यावरण संरक्षण अर्थात इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के आवरण को संरक्षित करें तथा उसे अनुकूल बनाएं। पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पर्यावरण के साधारणतः दो स्वरूप होते हैं, एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। अनुकूल पर्यावरण उसे कहते हैं जो जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा, विकास, पुनरुत्पादन और उन्नति में सहायक होता है। इसके जस्ट विपरीत जो पर्यावरण जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा, विकास, पुनरुत्पादन और प्रगति में बाधक होता है, प्रतिकूल पर्यावरण कहा जाता है। जहाँ अनुकूल पर्यावरण मिलता है वहाँ जीवधारी को अपने विकास में प्रायः कोई भी प्रकार की कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है, किंतु जब प्रतिकूल पर्यावरण में उसे रहना पड़ता है तो वह उसे अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। अब हम पारिस्थितिकी के बारे में समझेंगे। पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले वर्ष 1866 में अर्नस्ट हैकल द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें जीव पर वातावरण के प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सभी प्रकार के जीवों के परस्पर संबंधों की स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है। ध्यान देने योग्य बातें ये होती है इसमें कि प्राकृतिक जो भी अध्ययन किया जाता है उनके प्राकृतिक आश्रय अर्थात नेचुरल होम में किया जाता है। ये तीन स्तरों में विद्यमान है, जीव जंतु, दूसरा जनसंख्या, तीसरा समुदाय। अब इसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम को भी समझेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम वर्ष 1935 में आर्थर टांसले ने परिभाषित करने का प्रयास किया। पारिस्थितिकी तंत्र जीवित प्राणियों या यूं कहें कि प्रजातियों की जनसंख्याओं का एक आत्म विनियमय समुदाय सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी है, जो कि परस्पर एक दूसरे को प्रभाव करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। इनका निर्जीव और भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के रूप में वन पारिस्थितिकी तंत्र और सागर पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ तक कि झाड़ियों का जो झुरमुट होता है वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। इसी के अंतर्गत हम पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं के बारे में देखेंगे। पहला है सुनिश्चित कार्यशील क्षेत्रीय इकाई सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व। दूसरा तीन मूलभूत संघटक है, पहला जैविक संघटक, दूसरा अजैविक संघटक, तीसरा ऊर्जा को भी पारिस्थितिकी तंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण संघटक माना जाता है। अब विशेषता में तीसरा देखेंगे, ऊर्जा जैविक तथा भौतिक संघटकों के मध्य जटिल पारिस्थितिकी अनुक्रियाएं होती है। ओपन सिस्टम अर्थात मुक्त तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है एवं संरक्षित अथवा सुसंगठित तंत्र होते हैं। इसी के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्यतः दो वर्गों में भी बांटा गया है, पहला जलीय, दूसरा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी के भी कुछ घटक हैं, पहला जैविक घटक है, दूसरा अजैविक घटक है। जैविक घटक में पर्यावरण के जैविक घटक या कारक मिलकर जैविक पर्यावरण की रचना करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स आते हैं। अब प्रोड्यूसर कौन होते हैं, वे जी जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में दो परिवर्तन होते हैं, सामान्यतः हम देखते हैं तो पहला प्रक्रिया यह है अकार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन और दूसरा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब कंज्यूमर्स कौन है, उपभोक्ता अपनी भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए मूलतः उत्पादनकर्ता पर निर्भर करते हैं। जैसे इसको तीन स्तर पर हम समझने का प्रयास करते हैं, पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ता वह अपना भोजन सीधा उत्पादनकर्ता से प्राप्त करते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, गाय। मांसाहारी इनका भोजन दूसरे प्राणी होते हैं या पादप भोजन भी नहीं करते, जैसे शेर, बाघ, मेंढक, किंगफिशर, सांप, छिपकली। सर्वाहारी जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही होते हैं उसे सर्वाहारी कहा जाता है। अब हम अजैविक घटक को देखते हैं। जैविक घटक का स्वरूप जैव जगत की भांति ही जटिल है। इसके अंतर्गत जैव जगत को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले प्राकृतिक पर्यावरण के सभी तत्व मुख्यतः आते हैं, अतः अजैविक घटक भी पारिस्थितिकी तंत्र का विशेष महत्वपूर्ण अंग है। मुख्य घटक के रूप में देखें तो अकार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक में मृदा, जल, वायु, प्रकाश, खनिज तत्व ये सभी आते हैं। कार्बनिक घटक में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एमिनो अम्ल ये आते हैं। और भौतिक घटक में देखें तो जलवायु, ताप, प्रकाश, सौर ऊर्जा ये सभी भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब हम प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में देखेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां
एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत जीवी और अजीवी अर्थात सजीव प्राणों को संसार जो होता है उसे जीवी कहते हैं, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवी अर्थात निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। अब उसी क्रम में हम प्राकृतिक पर्यावरण को समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब इसको हम अलग अलग खंड में देखा जाए तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा विषम धरातल होता है। उसी प्रकार से जलमंडल जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पहली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। सूर्य की झुलसाने वाली किरणें, हानिकारक किरणें, इन सभी से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब हम पारितंत्र के बारे में समझेंगे। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ की स्थानांतरण द्वारा संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का एक पारितंत्र हो सकता है। इसी बीच में यह मैं बताना चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब इसी क्रम में हम अलग अलग रूपों में हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम जैव विविधता के संबंध में जानेंगे। जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पौधे, प्राणी तथा सूक्ष्म जीव आते हैं। इसके अंतर्गत इनके जीन तथा इनके द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी समाहित है। इसका संबंध नितांत रूप से गतिक प्रक्रियाओं से है। जीन विविधताओं से जैव विविधता में वृद्धि होती है तथा जीन विविधता से कमी होने से जैव विविधता कमजोर होता है। अतः इस अवधारणा में जैव जगत के अंतः संबंध तथा उसकी प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। भारत विशेष रूप से जैव विविधता से परिपूर्ण देश है और यह विश्व के 12 बड़े जैव विविधता केंद्र में से एक है। यहाँ पर जैव विविधता के अनेक प्रकार हैं। हम इस जैव विविधता के संरक्षण के बारे में भी यदि हम समझेंगे तो जैव विविधता के संरक्षण अर्थात प्रकृति के संरक्षण से तात्पर्य विकास के दुष्प्रभाव से प्रकृति की सुरक्षा है, जबकि जैव विविधता संरक्षण से तात्पर्य कृषि पालित पादप जंतु के जीन विविधता का संरक्षण है। जैव विविधता के 3 स्तर हैं, यद्यपि इनके बीच में संबंध है। भले ही विविधता पाई गई है लेकिन इसके बीच में भी अनेक प्रकार के संबंध भी हैं। अभी हम जैसे संरक्षण की बात करते हैं तो जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संरक्षण होते हैं, जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक निवास स्थान खतरे में भी है। आजकल विलुप्त प्राणियों का जो वास्तविक जो संख्या है उसमें भी कमी आती जा रही है। तो इस तरह से अलग अलग स्तर पर जो है अलग अलग प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है। अब हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, किसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त है या प्रकृति प्रदत्त है, ऐसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सामान्यतः प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं। हमारे पर्यावरण के जिन संसाधनों वायु, मिट्टी, जल, वन्य जीव, खनिज इत्यादि का उपयोग मानव अपनी आर्थिक उन्नति के लिए करता है, इस आधार पर संसाधनों में
अलग अलग भागों में भी इसे विभाजित किया गया है। अब संरक्षण का तात्पर्य, जैसे प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, उसके संरक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। संरक्षण का अंग्रेजी में तात्पर्य कंजर्व होता है, अर्थात हमें एक साथ रक्षा करना। संरक्षण का अर्थ होता है एक साथ रक्षा करना। 1908 में व्हाइट हाउस सम्मेलन के पश्चात गिफोर्ड पिनचॉट के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। सामान्य अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पारंपरिकगत ऊर्जा के लिए किया गया, किंतु गैर परंपरागत ऊर्जा का भी प्रबंधन आवश्यक है, वह भी संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब इसी कड़ी में हम वन संरक्षण के बारे में समझेंगे। वन प्राकृतिक परिदृश्य का अभिन्न अंग है। वन प्राकृतिक पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण अन्य संसाधनों के लिए भी आवश्यक है। आधुनिक काल में इसका आर्थिक महत्व है। वन्य जीव वहीं सुरक्षित है जहां वन सुरक्षित है। सामान्य अर्थ में हम समझने की कोशिश करें तो जहां वन है वहीं पर वन्य जीव भी है, और वन से हमें कच्चा माल की भी प्राप्ति होती है, और रोजगार के लिए प्रायः वनवासी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन पर ही निर्भर होते हैं। वस्तुतः वन विविध प्रकार के जंतु तथा पादप प्रजातियों के साथ साथ वनवासियों का आश्रय स्थल भी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वन संरक्षण की भी अति आवश्यक है। और इस संबंध में वनों के दोहन का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। पहले वनों की कटाई की भरपाई सामान्य उगने की प्रक्रिया द्वारा पूरी कर ली जाती थी, किंतु कृषि के विस्तार के साथ साथ वन क्षेत्र की व्यापक स्तर पर कटाई होना प्रारंभ हो गई है। वन एक प्राकृतिक संसाधन तथा सामाजिक संपदा है। इससे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभ प्राप्त होते हैं, किंतु वर्तमान में विश्व के प्रत्येक देशों में वन का इतना अविवेकपूर्ण दोहन नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों की राय है कि यदि इसे रोका नहीं गया तो निकट भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो यह मानव के लिए वरदान सिद्ध होगा। इसका एकमात्र निदान संरक्षण है, अर्थात हमें वन को संरक्षण करने के लिए अपनी ओर से कोशिश किया जाना चाहिए, क्योंकि वन ही सुरक्षित रहने से वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहते हैं। और समय समय पर वन संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की प्रयास भी किए जाते हैं। जैसे सामान्यतः वन संरक्षण को हम देखें या उसके उपाय के थोड़ा समझने का प्रयास करें तो योजनाबद्ध ढंग से यदि वृक्षों की कटाई हो संरक्षण के लिए आवश्यक है। वृक्षों की कटाई योजनाबद्ध ढंग से हो, वन विनाश एक प्रमुख कारण व्यावसायिक दृष्टि से वृक्षों की कटाई है। विश्व में प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यों के लिए कई लाख घन मीटर लकड़ी की आवश्यकता होती है। वृक्ष सदा लाभ प्रदान करने वाले संसाधन हैं। जब व्यापक स्तर पर इनकी कटाई होती है तो फिर से नहीं उगते हैं, इसलिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। वनों को आग से बचाना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। कृषि कार्य एवं अन्य कार्य हेतु जो है वनों की कटाई पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, तभी हम वनों का जो है संरक्षण कर पाएंगे। अब हम मृदा संरक्षण के बारे में जानेंगे। मृदा संरक्षण, मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी अंश है जो सभी प्रकार के जीवन को सहयोग देती है। सभी पेड़ की जड़ मिट्टी से पौधों के लिए जीवनदायी नमी तथा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, अर्थात मृदा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबको आश्रय मिलता है। वस्तुतः सभी प्रकार के पार्थिव जीवन का आदि और अंत मिट्टी से ही होता है। अब मिट्टी का अपचय चाहे वह प्राकृतिक कारण अथवा कुप्रबंधन से होता है तो यह समस्त पर्यावरण के लिए खतरनाक है, इसलिए हमें मृदा संरक्षण भी किया जाना चाहिए। कम से कम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करनी चाहिए। मृदा संरक्षण के लिए प्राकृतिक घटनाएं आ जाने से काफ़ी मृदा संरक्षण मृदा का अपरदन होने लगती है। जैसे इसमें मृदा अपरदन को कम करने के कुछ कुछ तरीके हैं, जैसे कंटूर कृषि अर्थात ढलान के आर पार जुताई बुवाई तथा कटाई की जानी चाहिए, न कि ढलान के अनुरूप। अर्थात यहाँ पर जो है जुताई जो बुवाई है वह आर पर ढलान के आर पर की जानी चाहिए। यदि ढलान को देख के करेंगे तो उसके हिसाब से फिर ये प्रभावित होता है। पहाड़ी की मोड़ के अनुरूप जुताई से मृदा संरक्षण संभव है।
उसी प्रकार से धारदार फसल, सीढ़ीनुमा खेती, छाया पट्टी बनाना। तो इसके अतिरिक्त मृदा संरक्षण के लिए वनों का विकास, चरने पर नियंत्रण, स्थानांतरित कृषि पर रोक तथा मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना भी आवश्यक है। इसी कड़ी में हम जल संरक्षण को देखते हैं। जल पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग है, जल ही जीवन है। एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 40 से 50 लीटर जल खर्च करता है। पीने के अतिरिक्त जल का उपयोग कृषि और औद्योगिक कार्यों में होता है। एक हेक्टेयर कृषि के लिए वर्ष में 12,000 घन से 14,000 घन मीटर पानी लगता है। मानसून हमारे देश में जल का मुख्य स्रोत है। अतः जल संरक्षण दुनिया के सभी देशों के लिए आवश्यक है ताकि जल की आवश्यकता पूर्ति की जा सके। वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण से तात्पर्य है कि वन के अंतर्गत रहने वाले जीवों का संरक्षण, अर्थात उनकी सुरक्षा। वन्य जीव भी पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आर्थिक एवं सौंदर्य मूलक उपयोग है। एक समय था जब वन में मानवीय हस्तक्षेप कम था, बहुत ही कम था उस समय, तथा वन्य प्राणियों की अधिकता थी, लेकिन समय समय में यह उल्टा होते जा रहा है। इसलिए इनकी संरक्षण की अति आवश्यकता है। कृषि के विस्तार, पशुपालन, शहरों के निर्माण, सड़क निर्माण, प्रदूषण, जंगली आग तथा जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल असर वन्य जीवन पर पड़ा है। वन संरक्षण अति आवश्यक है, उसी प्रकार से वन्य जीव संरक्षण भी अति आवश्यक है, क्योंकि जब वन संरक्षित रहेगा तभी जा करके वन्य जीव ही संरक्षित रहेंगे। तो इसलिए वन्य जीवों का भी संरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में देखेंगे, ऊर्जा संसाधन संरक्षण। तो विश्व के 90% ऊर्जा आपूर्ति जीवाश्म संसाधन तेल, कोयला, गैस तथा यूरेनियम से होता है। सिर्फ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से 10% की आपूर्ति होती है, जिसमें सौर एवं पवन ऊर्जा का योगदान 1% से कम है। यदि खपत पर अंकुश नहीं लगाया तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नष्ट हो जाएगा। इससे जल प्रदूषित होता है, इसके अतिरिक्त इस पर खर्च भी काफ़ी होता है। इन सब को देखते हुए ध्यान में रखकर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उपयोग पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये सभी संसाधनों का हम उपयोग जो कर रहे हैं उनका संरक्षण नहीं करेंगे और स्वयं से जागरूक नहीं होंगे तब तक कि हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे। अब उसी प्रकार से वन एवं पर्यावरण। तो वन एवं पर्यावरण में सामान्यतः देखते हैं तो काफ़ी हमारे देश में वन विस्तार है, और इस विस्तार को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, तब जाकर के वन एवं पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से आज हम पर्यावरण विषय पर चर्चा किए, आप सभी को मेरा धन्यवाद। आज का प्रश्न है कि हम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके आप उत्तर दें।